चलिए अब हम बात करते हैं बिहेवियर की और पैटर्न्स की, किस तरीके से वो हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं। थोड़ी सी न्यूरो साइंस के बारे में भी हम बात करेंगे। सो जब भी हम चेंज चाहते हैं, बेसिकली हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, वो हमें एक रिपीटेटिव मोड में ले जाते हैं। जब भी हम एक सिचुएशन में होते हैं, हम हर बार उसी तरीके से उसे रिएक्ट करते हैं। हम क्यों नहीं दूसरे तरीके ले पाते, हम क्यों नहीं चेंज कर पाते अपने आप को एक फियरफुल सिचुएशन से बाहर आने में, एक डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आने में, एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेट से बाहर आने में। हम बार बार एक ही सर्कमस्टेंस में हमेशा एक पर्टिकुलर बिहेवियर या पैटर्न को रिपीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं, ये एक फिजिकल कनेक्शन की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर रहते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो इतना पावरफुल है कि 30 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। सेवरल न्यूरॉन्स एक साथ में एक प्रॉब्लम पर रिएक्ट कर सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, लेकिन इसके बाद भी हम चेंज नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ये जो बिहेवियर है हमारे, ये एक फिजिकल कनेक्शन हैं। तो अगर हम इसकी साइंस जान लेंगे कि किस तरह से बिहेवियर एंड पैटर्न्स हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर रहते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा हम उनको कैसे ब्रेक करके एक डिजायर्ड बिहेवियर या एक आउटकम की तरफ प्रोसीड कर सकें, जिससे हमारे बेटर एक्शंस गाइड होंगे और हम एक पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, एंड ब्रेन इज पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में सेवरल कनेक्शंस बने हुए हैं। सो बेसिकली जब भी हम किसी एक मेमोरी को एक्सेस करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर या पैटर्न को एक्सेस करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाता है और वो एक पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करता है कि जैसे ही ये सिचुएशन आएगी उस टाइम पर मेरा बिहेवियर क्या होगा। तो हमारे माइंड के पास वो जनरलाइजेशन होती हैं उस पैटर्न की, तो इमीडिएटली हमारा माइंड जज करता है कि इस सर्कमस्टेंस में, इस सिचुएशन में इस इंडिविजुअल का बिहेवियर ये होना चाहिए। तो इमीडिएटली वो एक पर्टिकुलर न्यूरल पाथवे पे कनेक्ट करता है। तो वही न्यूरल पाथवे किस तरीके से होते हैं, ये हमारे माइंड में न्यूरॉन्स हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और डिफरेंट नर्व सेल्स हैं। सो जो भी हमारे रिपीटिंग पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल नेल बाइटिंग हो गया या स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, बार बार हम उसे गिव अप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है हमारे न्यूरल पाथवे के बीच में। जब भी वो सिचुएशन आती है, इमीडिएटली ये कनेक्शन एक्सेस हो जाता है और एक बिहेवियर ड्राइव हो जाता है ह्यूमन बींग का। अब जब भी हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं, अब ये पैटर्न बनता कैसे है, ये पाथवे बनता कैसे है, जब भी हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं, कोई नया बिहेवियर, तो वो एक बारीक सा स्ट्रैंड होता है दो न्यूरल पाथवेज के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो वो एक पतला सा स्ट्रैंड रहता है, उसके बाद जब हम उस बिहेवियर को दोबारा रीएक्सेस करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, तो वो स्ट्रांग होता चला जाता है और स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और स्ट्रैंड्स बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाता है, एक नया न्यूरल पाथवे एक नए बिहेवियर के लिए फॉर्म हो जाता है। सो अगर हमें एक नया एम्पावरिंग बिलीफ या एम्पावरिंग पैटर्न अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट करना है, तो हमें उस नए बिहेवियर को ड्राइव करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने ब्रेन के अंदर। सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर हमें कोई भी लिमिटिंग बिलीफ या कोई डिसएम्पावरिंग पैटर्न को डिमोलिश करना है, हटाना है, तो हमें इस पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा, इस लिमिटिंग पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा अपने नर्व सेल में। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन फिजिकली कनेक्ट करता है डिफरेंट बिहेवियर्स को इन आर न्यूरोलॉजी हमारे नर्व सिस्टम में, और उस सिचुएशन में वो उसको एक्सेस करता है। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी यूजिंग NLP, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिमिटिंग पैटर्न्स को इंटरप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिंकेजेस ब्रेक कर सकते हैं और नई बिहेवियर और नई आउटकम को डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो वो पर्सन एक रिसोर्सफुल स्टेट में चला जाएगा और उसका एक नया बिहेवियर ड्राइव होगा उस टाइम से। तो इस तरह से हम नए न्यूरल पाथवेज माइंड प्रोग्रामिंग NLP की टेक्निक्स को यूज करके बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन टिपिकली कभी भी पेन या प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है, तो हमारा ब्रेन सबसे पहले उसमें ये देखता है कि उस इवेंट में क्या यूनिक है, जब वो घटना घट रही है हमारी लाइफ में उसमें क्या यूनिकनेस है। उसके बाद उसमें वो देखता है कि क्या उसके साथ में कंसिस्टेंसी है, उस इवेंट के साथ साथ में क्या घट रहा है, और फाइनली वो उस पेन या प्लेजर का एक कॉज डिसाइड करता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एक्शन से या इस बिहेवियर से या इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस से पेन या प्लेजर मिल रहा है तो उसका क्या कॉज है, और उसके बेस पे हमारा ब्रेन एक जनरलाइजेशन बना देता है।
सो नेक्स्ट टाइम से हमेशा से उस मेमोरी बैंक में जब एक्सेस होगा तो उसको पता चलेगा इस सिचुएशन में अगर पेन है तो वो किस वजह से है, प्लेजर है तो वो किस वजह से है। तो इस तरह से हम अपने फॉल्स न्यूरो एसोसिएशन भी डेवलप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉल्स बिलीव बना लेता है कि आज मैंने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी और मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो क्या शायद कोइंसिडेंटली उसके साथ ये दोबारा हो गया कि उसने एक रेड टी शर्ट पहनी और किसी दिन उसके साथ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले उस दिन के उसे। तो वो एक फॉल्स न्यूरो एसोसिएशन बना लेता है उस घटना को, उस इवेंट को लेके, कि जब भी मैं कोई काम, अच्छा काम अपना करने जाऊंगा और अगर मैंने कंसिस्टेंटली एक रेड कलर की शर्ट पहनी होगी तो मेरा उस पर्सन का एक बिलीव बन जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा उस दिन। अब ये एक लिमिटिंग बिलीफ उसके माइंड में एस्टैब्लिश हो गया, तो आप देखेंगे कि एक नया न्यूरल पाथवे उसके माइंड में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इस लिमिटिंग पैटर्न का। इस तरीके से हमारा माइंड फॉल्स न्यूरो एसोसिएशंस को कनेक्ट कर देता है, लिमिटिंग पैटर्न्स, लिमिटिंग बिहेवियर डेवलप कर लेता है और हमें रोकता है वो काम करने से जो हम लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज में हम फॉल्स कॉज को जोड़ देते हैं। जैसे एक लेडी थी, उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ किसी के साथ में, तो उन्होंने उस ब्रेकअप को अपनी पैशन से कोरिलेट कर दिया, बिकॉज शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, शायद इस वजह से मेरे रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट आया, जबकि वजह कुछ और थी। उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आया उनकी वैल्यूज से, दोनों के बीच के डिफरेंसेस से, ना कि उनके पैशन से। तो उन्होंने एक फॉल्स न्यूरो एसोसिएशन, एक फॉल्स बिलीफ लिंक कर लिया। तो इस तरह से हमारा माइंड, आपने देखा किस तरह से फॉल्स कंडीशनिंग कर लेता है, और उन एसोसिएशंस को, उन लिमिटिंग पैटर्न्स को हम ब्रेक करना सीखेंगे। एक सिक्स स्टेप एक्सरसाइज में लेकर आऊँगा आपके साथ, न्यूरो एसोसिएटिव ट्रेनिंग या न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, जिसमें हम अपने माइंड के पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और हम डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।